हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग उनकी ट्रू फीलिंग्स पर होने जा रही हैं। आप अपने रिलेशनशिप की जिस भी स्टेज और जिस भी फेज में हैं, आपके पर्सन एग्जैक्टली इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए नहीं होते, जनरल रीडिंग होती है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी क्लैश हो रही होती है, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, मैं जनरल करंट फीलिंग्स पे नहीं कर रही, मैं रिस्ट्रिक्टेड कर रही हूँ आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स। और आई एक्सपेक्ट के जो है आपका इनसे इंटरेक्शन हुआ हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ हो, आप इनको जानते हो, ये आपको जानते हो, कोई क्रश या कोई खामोश चुप मोहब्बत वाली फीलिंग्स को मत चेक कीजिएगा, ठीक है? ये कार्ड्स थोड़े से चेक करने पड़ते हैं, ये एक साथ दो भी आ जाते हैं सर। चलें लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, द फूल। एरीज, ठसका लग गया मुझको। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, गुड। द हर्मिट, गॉट इट। अब आंसर आ जाएगा हमारा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, बहुत अच्छी बात। हर्मिट से पहले का क्वेश्चन, हर्मिट के बाद का आंसर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज वर्गो एंड एरीज लियो सेजिटेरियस। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए जो उनकी एग्जैक्टली ट्रू फीलिंग्स हैं वो ये कि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? इन्होंने अभी कुछ दौरान रीसेंट पास्ट में इन्होंने अपने फाइनेंसेस की वजह से आपको छोड़ा, और आप रीज़न नहीं थे, लेकिन इनको ऐसा लगा कि इस वक्त ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये खुद हैं, तो इस वक्त इनको आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये आपसे कट होकर, आइसोलेट होकर, एक हर्मिट मोड यानी खामोश मोड में और एक सोचने के मोड में और रियलाइजेशन फेज में गए, तो इनको आपकी वर्थ का आइडिया हुआ कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। आपने इस दौरान इनको कोई मैस नहीं दिया, इनको कोई परेशान नहीं किया, इनको कोई तंग नहीं किया। आप जैसे जिस मकाम पर इनसे छुटे, आप वैसे ही उस मकाम पर इनको मिले। आप लोगों की शायद बहुत लंबी लंबी अरसे की जो है वो बातचीत ख़त्म हो जाती है, और फिर जब आप लोग दोबारा से बातचीत शुरू करते हैं तो बिल्कुल ऐसे शुरू करते हैं कि जैसे कभी कोई गैप आया ही नहीं था। तो इस वक्त सबसे अच्छी बात जो आपके पार्टनर को लगती है आपकी, वो यही लगती है कि आप हर दफ़ा एक बड़े फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ लाइफ पर्सन है, बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इस डेक में जो है वो एक मेरे जो मैंने ये, मैं बहुत कम इस डेक को यूज़ करती हूँ, तो वैसे मुझे अपने सारे डेक्स बहुत पसंद हैं, लेकिन इस डेक में जो है वो जिस तरह के मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ उस तरह का कार्ड नज़र नहीं आता, बिकॉज उस तरह की ब्यूटी और जिससे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक ब्यूटी होती है। तो किसी ने एक दफ़ा कमेंट किया था कि मुझे आपका ये डेक बिल्कुल नहीं पसंद, अजीब सा है, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो मुझे काफ़ी हंसी आई, बट भाई डेक डेक होता है और डेक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जीज बताता है, ठीक है? तो अगर इस कार्ड में आपको क्वीन ब्यूटीफुल नहीं भी लग रही, तो फिर भी आप जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है? और अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यानी होता है ना, मैस्कुलिन एनर्जी में इंसान बड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचता है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी अगर किसी मर्द में भी होती है तो एक बहुत सॉफ्ट सी उसकी एक उसकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, ख्याल रखना, पैम्पर करना, यू नो, ये चीज़ें। तो दोनों तरह से ये आपसे मिल रही है। तो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं? वो डेफिनेटली आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने जो आपके और अपने दरमियान वो गैप लेकर आए, उसकी रीज़न फाइनेंसिस थी, और गैप लाने के दौरान गैप आया भी ऐसा कि कोई क्लोजर ही नहीं दिया, यानी कि कुछ भी ना बताना, ना सुन करना, ना गुन करना, ना बुन करना, कुछ भी नहीं बताना। तो थोड़ी सी आपको परेशानी भी होती थी, लेकिन अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पर थे वहीं से जुड़ा है सिलसिला और वहीं से जुड़ना चाहिए।
आपकी वर्थ का बहुत अंदाज़ा इनको हुआ है, बिकॉज इस दौरान हो सकता है किसी और के साथ भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई कंपनी का, किसी गैदरिंग का, किसी वर्किंग का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी से मीटिंग का, किसी से चैटिंग का, किसी से गपशप का, लेकिन जो एक ये बात है वो बात इनको कहीं नहीं नज़र आई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने अगर आपसे अभी थोड़े दिनों पहले बात भी की है या ये आपसे रेगुलर बात भी करते हैं, तो इस वक्त इनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि दिस इज़ द पर्सन। और आपका कोई पेट हो सकता है, आपको अपने सर के ऊपर कुछ ख़ास तौर पे आप बहुत कुछ ऊंचा सा, अगर आप खातून हैं तो कोई बहुत अच्छा सा स्टाइलिश सा आप अपना हेयर स्टाइल, आप अपना हेयरडू बहुत अच्छा करते हैं, प्लस आपको ज्वेलरी बहुत पसंद होगी या आपके पर्सन को आपको ज्वेलरी में देखना अच्छा लगता होगा। विद द हर्मिट मोड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एज का भी, मेच्योरिटी का भी डिफरेंस है। एंड विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स सबसे अच्छी बात जो आपकी इस वक्त फील करते हैं वो ये कि उनको मालूम था जब वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ मनी ओनली, इट्स अबाउट के आप उनसे शायद पैसों का लेन देन ना भी करते, लेकिन उनकी एक मॉरल सपोर्ट आपके लिए बहुत मैटर करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही खामोशी से क्लोज्ड ऑफ हो गए। वो कुछ बुरा नहीं करा, कुछ भला नहीं करा, कोई लड़ाई नहीं की, कुछ झिकचिक नहीं करी, बस क्लोज्ड ऑफ हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपके लिए जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। विद द फूल कार्ड, विद द फूल कार्ड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट द फ्रेश स्टार्ट एज वेल, रिस्क लेना, एडवेंचर का सोचना। दूसरा बात ये कि फ्री स्पिरिट होना, मतलब उनको आपकी भी फ्री स्पिरिट एनर्जी अच्छी लगती है, और आपकी इस फ्री स्पिरिट एनर्जी में वो अपने आप को भी इस वजह से कंफर्टेबल समझते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि आप कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, उनको मालूम है कि आप कोई कंडीशन नहीं सेट करेंगे, आप कोई ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ इस वजह से हूँ, ये करो तो ये होगा। तो इस वजह की, इस तरह के मामला की वजह से ये आपकी, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए यही हैं। रियलाइजेशन हुई है इनको अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये आपको छोड़ के गए, और अब इनको एहसास हो रहा है कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ कप्स, यस, ऑफर, अपोलॉजी, अप्रोच, नाइन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, द एम्परर, अना आड़े आ रही है, अना 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 अना, लेट्स टेक अनदर कार्ड, द चैरियट। ऑलराइट, बड़ी अच्छी बात है भाई। कैंसर, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, आपसे ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स में यही है कि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज दे आर डेस्परेट टू से, दे वॉन्ट टू लेट यू नो कि कितने ट्रबल में ये रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने जब आपको छोड़ा तो ये कितने पेन में, इनके पास बहुत बातें हैं, और वो बातें ऐसी हैं कि इनको लगता है ये आपको सुनाते चले जाएंगे, सुनाते चले जाएंगे, सुनाते चले जाएंगे, और ये बहुत लाइट हो जाएंगे, ये लाइट हो जाएंगे, लेकिन इनको एक लम्हे को ये भी एहसास नहीं होगा कि इतनी सारी परेशानियों में एक ये परेशानी आपको ये भी तो दे गए थे कि ये आपको छोड़ गए थे, और ये शायद अपनी इतनी लॉन्ग कन्वर्सेशन में ये बात कभी कहेंगे भी नहीं। लेकिन एक अना है, अना को तोड़ना बहुत ज़रूरी है इनका, जबकि इनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, बिकॉज़ ये इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा नीड है, और इस वक्त इनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि ये इस बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे इतने ईगोइस्टिक हो गए, ये कैसे इतने सख्त हो गए, ये आपके साथ कैसे इतने हार्श हो गए, और ये बहुत ही ज़्यादा अपनी अना को रखते हुए सामने भी बहुत, इनकी फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं इनके एक्शन की बात नहीं कर रही। तो प्लीज़ ये मत कहिएगा, ये जो कमेंट सेक्शन में आप लोग शुरू हो जाते हैं कि जो है अच्छा ये है तो फिर आके उन्होंने, हर चीज़ का टाइम होता है, क्या यही काफ़ी नहीं है कि बंदे को रियलाइज़ हो रहा है, अब ये उसका अना है, उसके उसका गुरूर है, उसका तकब्बुर है, तो ये तो हैं मसाइल ना, वरना यूनियन हो के शादी हो के आपके बच्चे ना हो चुके होते, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। आप यहाँ पर ही देखिए, एम्परर और नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, कितने पैक कार्ड्स होते हैं, ये मेजर आर्कानाज हैं लेकिन पैक हैं, ये बिल्कुल बंधे हुए लोग। और एम्परर का कार्ड, दो बातें और हैं, इनको कुछ ये भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा कि आप एक अथॉरिटी पोजीशन पर आ गए, इस नो पेन नो गेन की पोजीशन जो आपने जेस्चर शो किया, हालांकि आपको पेन हुआ है लेकिन आपकी इस अथॉरिटी आपके सब्र का नतीजा है। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों ने सिमिलरली किसी एक चीज़ पर इन्वेस्टमेंट की, किसी एक चीज़ को आप लोगों ने दोनों ने मिलके किया, लेकिन क्रेडिट आपको चला गया
अब ये इस वक्त आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी आपके साथ इनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि इनका दिल आपकी तरफ मूव होता है। ये चाहते हैं कि आपके साथ बहुत लंबी बातें करें और आपको बताएं कि कितने परेशान रहे हैं इस दौरान। ये सब कुछ बताना चाहते हैं कि मेरा कहाँ टाइम लगता था, मेरी कहाँ एनर्जी लगती थी, मुझे कितने लोगों ने परेशान किया, मुझे क्या कुछ लोग क्या कुछ कहते थे। लेकिन वही बात घूम फिर कर कि ये सारी चीज़ों में ये नहीं बता पाएंगे कि ये आप ही को बता कर क्यों लाइट अप हो रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने आपको भी तो इग्नोर किया, आपको भी तो कॉर्नर किया, लेकिन आप अभी भी वही हैं, आप अभी भी वैसे ही बातें सुन रहे हैं, आप अभी भी उसी तरह अवेलेबल हैं। तो इनको ये अपोलॉजी फील हो रही है, इनको बहुत लग रहा है कि मैं कैसे अपनी इतनी पोजीशन के बावजूद मैं कैसे झुक जाऊं, और ये चीज़ इनको परेशान करती है। विद द चैरियट कार्ड मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँगी कि इतनी एक एम्परर का कार्ड इतना ब्लॉकेज लग रहा है यहाँ पर, और फिर चैरियट का कार्ड आया है, तो ये क्यों आया है? एट ऑफ कप्स, ऑलराइट। अब इनको ये डाउट है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, इनकी अपोलॉजी मैटर नहीं करेगी, आप मूव ऑन कर गए हैं। और मेरे ख्याल से आप वाकई शायद इमोशनल फेज़ में आप मूव ऑन कर गए हैं, बिकॉज इनका जो वेटिंग गेम इन्होंने आपको डिले में डाला है, तो ये सोच रहे, ये महसूस कर रहे हैं, ये फील कर सकते हैं आपका मूव ऑन करना। और मूव ऑन करना देखें ज़रूरी नहीं होता, समझने की कोशिश करें, मूव ऑन इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट लीविंग अ पर्सन। कभी कभी हम किसी दुख तकलीफ सिचुएशन किसी पैटर्न किसी एडिक्शन किसी ट्रेड से भी मूव ऑन कर चुके होते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बहुत इरिटेट करता है, आपको हर वक्त लगता है किसी गैदरिंग में जाएं मेरी गैदरिंग का सत्यानाश उसकी मौजूदगी करेगी। एक दफ़ा दो दफ़ा फिर आप उसको इग्नोर करने की टेक्निक सीख लेते हैं, और फिर टेक्निक सीखते सीखते वो एक दिन आपके लिए एक बड़े ज़ीरो से बिल्कुल एक पैनी दाल के बराबर का ज़र्रा बन जाता है, फिर आपको फिक्र ही नहीं होती। ये भी एक फेज़ होती है मूव ऑन हो जाने की, अब मैं इस बुलिंग से इस बॉडी शेमिंग से इस टॉन्टिंग से इस ताने तिशने वाली ज़बान से इस चर्ब ज़बानी से मैं निकल चुका, ये भी मूव ऑन करने की बात है। तो इस वक्त इनको ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, बिकॉज मैं फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, ये आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, अपनी रेस्टलेसनेस को बताना चाहते हैं, ज़िद है ईगो है, और चैरी जितनी जल्दी तेज़ी से बताना चाहते हैं, लेकिन इनको ये फील हो रहा है कि अब आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपका द मून आया है, विच इज़ अ क्लियर मैसेज कि इनके खौफ हैं, इनकी इनसिक्योरिटी है, बिकॉज हर वक्त जो है शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन शेर आ गया, तो आपने वो वाली चीज़ कर दी कि एक दिन शेर जो है वो आ गया। लेट्स सी मोर इनकी ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स इनकी और क्या फील कर रही है, फीलिंग्स पे रिस्ट्रिक्टेड है प्रेयर, ऑलराइट, दुआ कर रहे हैं भाई किसी चीज़ के लिए, वैनिटी, आजकल अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, इनको समझ रहे हैं कि गॉसिप हो रही है, पब्लिकली बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, आपके मुतालिक बहुत बातें हो रही हैं, डिस्पोंडेंस, ऑलराइट, बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, झड़ सर जहाड़ मुंह पहाड़ बने हुए हैं आजकल, मिस्टिज़म। आपकी एक्टिविटीज़ इनको काफ़ी मिस्टीरियस भी लग रही हैं, और इनको ये चीज़ ट्रिगर भी कर रही है कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, आप गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहे, आप कूल हैं, आप काम हैं। इनको बहुत हो रहा है कि आपको अब असेस करना मुश्किल है, अब आपके क्या प्लान्स हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, तो देयर आर मेनी थिंग्स, बट येस दे आर प्रेइंग। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये पब्लिकली पार्टीज़ में सोशल गैदरिंग्स में सब जगह जा रहे हैं, आना जाना हो रहा है, लेकिन ये प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे इनको लोग कह भी रहे होंगे, लेकिन एक प्राउड में है, एक ईगो में है, अपनी कमज़ोरियां लोगों को नहीं दिखा रहे, लोग इनको देखकर गॉसिप्स भी कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज़, और आपके मुतालिक भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपको देख रहे हैं, आपको पेन में देखा, पेन में रहे आप, उसके बावजूद ये आपको इस तरह नहीं देख रहे, बल्कि इनकी ख़ुद की हालत कुछ अजीब सी हुई, वो डिस्पोंडेंस, यू नो, डिलेबरेटली अपने आप को छोड़ देना, एंड दे आर क्वाइट क्यूरियस। इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ये कि बहुत नोटिस कर रहे हैं, ये बहुत फील कर रहे हैं कि आप एक मिस्ट्री बन गए, उस तरफ के मामलात क्या हैं ये नहीं पता, बट इनको इनकी प्रेयर भी हो रही है,
और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर फेथ भी आया है। तो और देखते हैं, लेट्स सी, ये आपके लिए जो भी फील कर रहे हैं, अगर ये फील करते करते कुछ प्रेयर करते वक्त, फेथ रखते वक्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी बातें मुझे तुम्हारा याद दिलाती हैं। जस्ट बींग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की बात हो रही है आपसे, जब भी ये आपके पास होते हैं एक सूदिंग एनर्जी इनको मिलती है, रिलैक्स हो जाते हैं ये। आई लव यू अनकंडीशनली, तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैं दोबारा से, फ्रेश स्टार्ट। I want to feel that way again. मैं उस तरह से दोबारा, I don't react when people mention you. See, मैंने कहा था gatherings में जा रहे हैं लेकिन कोई reaction नहीं दे रहे और यहीं पर हो रहा है। I don't react when people mention you. I want you. How sweet. I want you. तो इनकी feelings पे based हो रहा है। आपके सामने cards निकालें, कोई set cards, या मैं इसीलिए pick a deck या pick a card नहीं करती। थोड़ा सा और देख लेते हैं, मैं खुद भी curious हो रही हूँ। Fresh start की बात आ रही है। कोई तीन लोग हैं, किसी से इनको आपकी खबरें भी मिल रही हैं, इनको ये भी हैरत हो रही है कि क्या इतनी चिल पार्टी हो चुकी है, ये क्या इतना चिल हो चुका है मूड कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है। और शुरू में जब इन्होंने आपको ईगो दिखाई है तो आपको भी लगता है कि शायद अब मेरी वो जगह नहीं है, तो क्यों डिस्टर्ब, यानी आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे कि क्यों बिला वजह में बॉदर करना। और ये जो हैं थोड़े से इरिटेट हो रहे कि यार ये तो मामला उल्टा हो गया। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, शायद आपकी सराउंडिंग में कोई न्यू पर्सन है, कोई है जिसको आप नोटिस नहीं कर रहे। मैंने कहा था ना, आप मूव ऑन कर गए हैं, तो शायद आपको इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इस तरह के, यू नो, उनको लगता है कि जैसे मुझसे इतनी कॉन्फिडेंटली और बोल्ड होकर बातचीत होती है तो किसी और से भी होती होगी। तो एक फीलिंग में इनके ये भी है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया जिसने आपको इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, वरना मैं आपकी रीडिंग अगर करती तो पता चल जाता। अदरवाइज लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टेड। आई थिंक आप डटे रहे, परसिस्टेंट रहे, जिसकी वजह से ये चीज़ इनको और ज़्यादा आपकी तरफ पुल कर रही है। कि जैसे मैंने कहा ना कि इन्होंने आपको छोड़ा जब वापस आए, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, जब ये वापस आए तब भी आप वहीं खड़े हुए थे, तकलीफ में थे, आप पेन में थे, बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी, बहुत दुख, रोए हैं, परेशान भी हुए हैं, बहुत बर्दाश्त भी किया है, लेकिन इस दर्द से आप निकल गए। ये जब वापस आपके पास आए, जब आपका रीयूनियन समझ लीजिए या बहुत दिनों बाद बातचीत हो या वहीं के वहीं इनको मिले, तो ये चीज़ इनको और ज़्यादा, यू नो, और ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको बनाती है कि भाई कुछ भी हो, ही और शी वॉज देयर, सोलमेट, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ ना, अच्छा, इनको ये भी फील होता है कि मेरा इतना ज़्यादा हर वक्त ऑन एंड ऑफ रखना, इसको ये यकीन दिला चुका है कि इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, इस वजह से यहाँ पर नहीं इसका उसको रुकना होता। फाइनेंसेस एंड करियर, ये तो कभी ना आए ऐसा रीडिंग में मेरी हो ही नहीं पाता। चले जी, अगर ये है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। फीलिंग्स पे हम बात कर रहे हैं तो मैं लव ओरेकल विस्पर ऑफ लव यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत हद तक लव रीडिंग लग रही है। आज इतना डार्क क्यों हो गया मेरा कैमरे का शेड, लेट्स सी। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स अगर यही हैं और आप ऐसा ऐसी चीज़ें विटनेस कर सकते हैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं या आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करे तो उनकी ईगो आ रही है, बट उनको ये भी लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। लेट्स सी। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल, वी ऑल हैव फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। आई थिंक आपको इट्स वेरी क्लियर, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। अपने आप को रिलैक्स करें, इंजॉय करें। आपने इस वक्त जो कुछ भी आपने अचीव किया है उसको फील करें, रिलैक्स करें। रिलैक्स मीन्स टेक अ गुड स्लीप, टेक अ गुड नैप, ईट गुड, स्लीप गुड,
पानी पिएं, अरोमा थेरेपी करवाएं, खुश रहें, बिकॉज इट्स नीडेड, यू डिज़र्व दिस. अपार्ट फ्रॉम ऑल द चैलेंजेस व्हाट यू हैव बीन गॉन थ्रू, दिस इज नीडेड. ऑलराइट ऑलराइट. बॉटम ऑफ द डेक भी मैं पढ़ रही थी, आपका यही है, रिलेशनशिप पैटर्न्स. इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज. आपका एक मेजर रियलाइजेशन फेस हुआ है. आप क्या हैं, आपको अपनी ट्रू स्ट्रेंथ पता चली जब आपने सब कुछ बर्दाश्त किया. तो यू नीड टू गिव योर सेल्फ एंड इट्स गुड, इट्स ओके टू एक्सेप्ट चेंज. राइट, ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, ये आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स थी आपके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अपना बेहद ख्याल रखें. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल. पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगी. प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री. ठीक है, थैंक यू सो मच. हॉर्न भी बज गया. बाय बाय.